अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है क्लास 8 के लिए एक्सरसाइज 6.4 के लिए बना रहे हैं हम, जिसका पहला ही क्वेश्चन आपके पास है कि आपको इनका स्क्वायर रूट्स निकालना है। पहला क्वेश्चन इस तरह है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से कुछ नंबर्स यहां पे आपके पास लिखा हुआ है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास मिलेंगे, तो हमें इसको डिवीजन मेथड से करना है। और एक मेथड आपके पास आया, वो है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में आपके पास आप कैसे करोगे, मिसाल के तौर मैंने कुछ नंबर्स वहां पे लिख के रखे हैं। अगर मैं पहले को ले लूं, 1024 आपके पास है, 1024 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो मैं कैसे निकालूंगा डिवीजन मेथड से। करना क्या है देखो, यहां पे आप इसको अपने कॉपी पे इस तरह दिखाओगे, 1024 को लिखोगे और इस तरह यहां पे इस तरह करोगे, और यहां से आपके पास राइट मोस्ट मीन्स जो नंबर आपके पास लिखा है उसके यूनिट डिजिट से आप ग्रुप बनाना स्टार्ट करेंगे। स्क्वायर का मतलब है दो की ग्रुप बनाएंगे, ये दो के ग्रुप हो गए, ठीक है। जो वहां से इस साइड से दो के ग्रुप बनते रहेंगे, मिसाल के तौर अगर मेरे पास 1024 एंड मिसाल के तौर 5 होता तो इसका ग्रुप कैसे बनता, यहां से करता तो ये आता और ये खुद अकेला 1 ही रह जाता, तो इस तरह के हम इसको क्लियर कर पाते, ठीक है। तो यहां पे आप कैसे इसको करेंगे, यहां पे करेंगे, देखो आप जो पहला हमने जो पहला वीडियो किया था उसमें हमने क्या किया था, 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16। सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाला था, यहां पे भी करना है सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। अब देखो यहां पे जो मैं पहले ग्रुप को डिवाइड करने जा रहा हूं वो है 10, तो अगर मैं यहां पे 4 से 4 को करूं तो 16 बन जाएगा, वो ज्यादा हो गया। तो यहां पे डिवीजन जो पहले वाले हम छोटे क्लास में डिवीजन करते हैं उस तरह नहीं करना है कि डिफरेंट नंबर लेके डिवीजन नहीं करना है, सेम टर्म्स आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 9 आया, यहां पे आपके पास 1 आया, ठीक है। तो यहां पे आपके पास 24 पूरे ग्रुप को नीचे लेके आना है आपको, तो जब नेक्स्ट नंबर आप लिखोगे तो इन दोनों को प्लस करना है, जो पहला आपने मल्टीप्लाई में किया इन दोनों को प्लस करना है, 3 पे 3 प्लस करेंगे तो 6 है, देखो यहां पे। तो यहां पे मेरा नंबर खत्म हो गया, तो मेरा यहां पे जो लास्ट डिजिट है वो 4 है। 4 कहां पे आता है, या तो 2 से मल्टीप्लाई करके आता है या तो मेरे पास 8 से मल्टीप्लाई करके आता है। इनका यूनिट डिजिट जो है मेरे पास या तो 2 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है या तो मेरे पास 8 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो मेरा जो 6 नंबर है उसमें जो एडिशनल नंबर होगा या तो वो 2 हो गया तो वो 8 होगा। तो मेरे पास अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास देखो 6 तो ऑलरेडी मेरे पास है, मुझे 2 को लेके चलना है, देखो 6 तो ऑलरेडी 2 और 2 से यहां पे मैंने 2 किया तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, यहां पे क्या है 124 आया ना, तो मुझे यहां पे किस चीज की जरूरत है, 2 के, 2 × 64 = 124 बन रहा है, मेरा रिमाइंडर 0 आया, तो इसका मतलब मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 1024 क्या बना, 32 बना। बात समझ में आया। अगर मैं दूसरे स्टेप को ले लूं तो अगर मेरे पास यहां पे 4096 है तो मैं इसको कैसे लूंगा, यहां से ग्रुप बनाना है ये दोनों, तो मेरे पास 40 है। देखो यहां पे अगर मैं इसको आगे बढ़ा के जाऊं तो मेरे पास अगर मैं 5 से 5 को करूं तो मेरे पास 25 आएंगे, 6 से 6 को करूं तो 36 होगा, 7 से 7 को करूं तो मेरे पास यहां पे 49 आएंगे। अब देखो पे मेरा जो पहला ग्रुप का नंबर है वो मेरे पास 40 है, तो मैं यहां पे 7 से भी दे नहीं सकता हूं क्योंकि यहां पे 749 हो रहा है, तो मुझे यहां पे 6 से करना पड़ेगा, 6 और 6 यहां पे आया, ठीक है। जो 6 मेरे पास 36 हुआ तो यहां पे मेरे पास 4 रिमाइंडर हुआ, तो यहां पे मेरे पास 96 पूरे ग्रुप को लेके आएंगे, तो इन दोनों को प्लस करके मेरे पास क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। देखो यहां पे मेरा नंबर आ रहा है 12,
अब मुझे यहाँ पे और एक नंबर को ऐड करना है जिससे मैं मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे यहाँ पे इसके लास्ट डिजिट को देखना है। लास्ट डिजिट मेरा यहाँ पे 6 है। 6 कहाँ पे आ रहा है? या तो मेरे 4 से आ रहा है या तो मेरा 6 से आ रहा है। इसका लास्ट डिजिट जो है या तो 4 से आ रहा है या तो 6 से आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे जो आगे आने वाला नंबर है या तो 4 होगा या तो 6 होगा। चलो हम थोड़ी देर के लिए अगर मैं 6 को देके दे दूं तो क्या होता है? देखो यहाँ पे 6 6 36, 3 की री 12, 3 हो गया 15, 1 की री 6 1 और 7। देखो यहाँ पे 756 आ रहा है, मेरे को चाहिए 496। तो इसका मतलब 6 यहाँ पे नहीं आएगा। तो मेरे पास 12 के साथ जो दूसरा नंबर कौन रह गया? मेरे पास 4 रह गए। अगर मैं 4 से करूं तो क्या होता है? 4 4 16, 1 की री 4 2 8 1 9, 4 1 4, यहाँ पे आ रहा है 496। इसका मतलब मेरा यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा, 496। तो मेरा रिमाइंडर 0 हुआ, तो मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 4096 का क्या बना? 64 बना। बात समझ में आ रहा है? जो अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट को अगर यहाँ पे क्लियर करूं, वो है मेरे पास 1396 है मेरे पास। अगर मैं इसको करूं, देखो यहाँ पे ये और ये आया, तो मेरे पास पहला ग्रुप है 13, तो मैं 4 को 4 से नहीं दे सकता, मैं 3 से दूंगा, 3 3 से 9। यहाँ पे मेरे पास 4 आए, यहाँ पे 9 और 6 आए, 3 और 3 प्लस करेंगे तो मेरे पास 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। देखो यहाँ पे इसका लास्ट डिजिट है 6, तो अगर मैं यहाँ पे 4 करूं, क्योंकि मेरे पास 4 से मल्टीप्लाई करके 6 आता है, तो अगर मैं यहाँ पे 4 4 16 1 24 और 25, मेरे पास आता है 256, जो बहुत छोटा हो गया। इसका मतलब 4 नहीं है, तो 6 के साथ दूसरा नंबर 6 दे सकते हैं। 6 6 36, 3 के लिए 6 6 36 36 पे आपके पास 36 आपके पास यहाँ पे यही आ रहा है 13 4 9 और 6। हाँ, तो यहाँ पे आपके पास 6 6 36 आपके पास आया, 3 के लिए आया 6 6 36 37 38 39। यहाँ पे आ रहा है आपके पास 396। तो शायद मैंने नंबर ही गलत लिखा है, तो यहाँ पे मेरे पास 12 होना चाहिए था, सॉरी, यहाँ पे आपके पास 12 होना चाहिए था, ये मेरे पास 2 होना चाहिए था, ये तो यहाँ पे मेरे पास 3 आ रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे दूसरा नंबर 6 आ रहा है, तो मेरे पास 396 आया। तो मेरा स्क्वायर रूट हुआ आपके पास 1296 का क्या हुआ? मेरे पास 36 आया, सॉरी, इसमें थोड़ा सा गलती हुआ है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह आपको लेना है। अगर मेरे पास 196 होगा तो मैं इसको कैसे करूंगा? ये और ये आपके पास आ रहा है, तो यहाँ पे अगर 1 को 1 से लगाए तो 1 आया, ठीक है, जो बराबर आए तो बराबर ही लेना है। तो मेरा दूसरा ग्रुप है 96, इन दोनों को प्लस करे तो 2 आया। तो मेरे पास 2 नंबर है, मुझे आखिर में 6 है, या तो 4 से होगा या तो मेरे पास 6 से होगा। अगर मैं 4 दे दू तो क्या आ रहा है? 4 4, यहाँ पे 16 4 2 8 9 आपके पास, इसका मतलब यहाँ पे 4 आ रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे 96 हुआ, एक एंस खत्म हुआ, तो मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 196 मेरे पास 14 आया। आपको समझ में आया होगा कि आप इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को आप किस तरह हैंडल करोगे, ठीक है जो, ये आपके पास हुआ। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अगर हम इनके आपके पास कुछ नंबर्स दे होंगे, आपके पास क्वेश्चन ये दिया गया है कि अगर मैं इसके स्क्वायर रूट्स को निकालने के लिए बैठूं तो वहां पे नंबर ऑफ डिजिट उसके स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट जो है कितना आएगा, उसके ऊपर हमें काम करना है। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट को आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर जो पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर है मेरे पास 1 है, फिर 4 है, फिर आपके पास 9 है, फिर आपके पास 16 है, फिर 25 है, फिर इसके बाद 36, फिर इस तरह चलते जाओ, फिर इसके बाद 121 है, फिर इसके बाद आगे चलते जाओ 144 है, फिर आगे चलते जाओ मिसाल के तौर आपके पास 196 है, फिर आगे जाते 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 आपके पास 1024 होगा, फिर आगे जाएंगे तो आपके पास 1296 होगा, फिर आगे आगे जाएंगे तो 4000 आएंगे आपके पास, फिर इस तरह चलते जाएंगे। देखो यहाँ पे, यहाँ पे जो इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे यहाँ पे डिजिट कितने, 1 यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5।
अब मुझे परफेक्ट स्क्वायर विदाउट एनी कैलकुलेशन, मुझे अगर मैं वन का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालू तो वहां पे डिजिट कैसे आएंगे, फोर का करें तो ये तो आसान है क्योंकि एक ही डिजिट वाले नंबर है। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालू तो मेरे पास अगर वन का स्क्वायर रूट वन आएंगे, आपके पास फोर का निकालेंगे तो टू आएगा, अगर नाइन का निकालेंगे तो मेरे पास क्या आएंगे थ्री आएगा, अगर सिक्सटीन का करेंगे तो मेरे पास क्या आएंगे फोर आएंगे। बात समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जब हमने यहाँ पे ग्रुप बनाया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, जब हमने डिवीजन मेथड में जो ग्रुप बनाया था, आप इसको देखें तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, चार है, तो ग्रुप कितने बन रहे हैं, दो बन रहे हैं। इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, दो डिजिट। जितना आपके पास इसमें ग्रुप बनेगा उतना नंबर ऑफ डिजिट आएंगे। देखो यहाँ पे ग्रुप कितने बनेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे भी, एक यहाँ पे भी, एक यहाँ पे भी, एक यहाँ पे भी, एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे भी, दो यहाँ पे भी, दो, लेकिन यहाँ पे जब बनेंगे तो तीन बनेगा। देखो यहाँ पे जितना ग्रुप बन रहा है ना उतना उसके स्क्वायर रूट में डिजिट होगा, उतना उसके स्क्वायर रूट में डिजिट होगा। देखो यहाँ पे जब हमने 196 का निकाला था तो कितने ग्रुप में डिवाइड हो रहे थे, दो ग्रुप में डिवाइड हो रहे थे, यहाँ तो नंबर ऑफ डिजिट कितने आ गए, दो हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी ग्रुप बनेगा यहाँ पे, मिसाल के तौर तो इस तरह को कोई मिसाल के तौर तो थोड़ी देर के लिए मानते हैं 1 2 3 5 0 7 8 9 2 और आपके पास 4, मिसाल के तौर तो ये नंबर में मिसाल के तौर तो थोड़ी देर के लिए मानते हैं इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमें देखना है कि इसके जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो उस स्क्वायर रूट में इसके कितने डिजिट होंगे, तो हमें करना क्या है, हमें इसमें ग्रुप बनाना है। देखो अभी एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, चार ग्रुप, पांच ग्रुप, इसका मतलब जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा ना, इसके स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगे वो कितने होंगे, पांच होंगे, पांच डिजिट्स पे मुश्तमिल होगा इसका स्क्वायर रूट का जो आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे आपके पास इसमें कितना आएंगे, एक आएगा, इसमें एक आएंगे, इसमें एक डिजिट आएगा, इसमें भी एक डिजिट आएंगे, इसमें एक डिजिट आएगा, इसमें भी एक डिजिट आएंगे, इसमें दो डिजिट आएंगे, इसके स्क्वायर रूट्स में इसमें दो डिजिट आएंगे, इसमें भी दो डिजिट आएंगे, इसमें भी दो डिजिट आएंगे, इसमें भी दो डिजिट आएंगे और इसमें तीन डिजिट आएंगे क्योंकि ये तीन ग्रुप में चेंज हुआ। तो नंबर ऑफ डिजिट जो है जितना ग्रुप बनेंगे उतना नंबर ऑफ डिजिट आपके स्क्वायर रूट में निकलेगा। तो ये पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन के लिए हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और दूसरे क्वेश्चंस को लेके आप तक समझाने की कोशिश करेंगे। तो आपकी जो किताब में आपके पास क्वेश्चंस वो आप खुद करने की कोशिश करें, देखें आता है या नहीं आता है। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।